थंबनेल देखकर तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। टाइगर 3 मूवी का हिंदी ट्रेलर आउट हो चुका है और उसी के देखते चलते यूट्यूब, फेसबुक, गूगल सभी पर टाइगर 3 ही ट्रेंड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आपने एक बात सुनी होगी कि हर जंगल का राजा केवल शेर ही हो सकता है, चीता तो नहीं हो सकता। तो उसी के बाद सुनते आप सभी को पता चली गया होगा कि इस बात के चलते मैं आपको क्या कहने वाला हूँ। आप सभी को पता चली गया होगा, जिसको पता है वो कमेंट करके बता सकता है। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं टाइगर 3 मूवी की हिंदी OTT और सैटेलाइट राइट्स की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टाइगर 3 मूवी के सैटेलाइट राइट्स की। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पठान, वार और टाइगर जिंदा है और अभी टाइगर 3, ये चारों मूवीज स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो दोस्तों आप एक बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि वार और पठान ये दोनों मूवीज तो स्टार गोल्ड पर आई थी, लेकिन दोस्तों टाइगर जिंदा है ये मूवी सोनी मैक्स पर आई। तो अब दोस्तों इन्हीं सवालों के मद्देनजर रखते हुए अब YRF ने यही निर्णय लिया है कि टाइगर 3 यह मूवी स्टार गोल्ड पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही कंफर्म है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि YRF की जितनी भी मूवी सब आ रही है वो डायरेक्ट अब स्टार गोल्ड पर ही प्रीमियर हो रही है। तो इससे ये भी कंफर्म हो सकता है कि यह मूवी स्टार गोल्ड पर आने वाली है, और एक तो बेसिकली पूरा कंफर्म ही है कि यह मूवी स्टार गोल्ड पर ही आएगी। तो दोस्तों आप दूसरे चैनल की आस मत लगाना, यह मूवी इसी चैनल पर आने वाली है। सो इसके अलावा हम बात करते हैं टाइगर 3 मूवी के OTT राइट्स की। अब दोस्तों आप सभी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर पहले ही देख लिया होगा कि इस मूवी के OTT राइट्स को Amazon प्राइम वीडियो ने लगभग 200 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। अब दोस्तों ये क्या वाकई में सच है या फिर झूठ, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपने एक बार भी जरूर से नोटिस की होगी कि आपने देखा होगा कि यशराज फिल्म्स की जितने भी मूवीज़ आई है उन सभी मूवीज़ में से लगभग जितनी मूवीज़ है उन सभी में से जैसे कि 10 में से 7 मूवीज़ ये डायरेक्टली यहाँ पर Amazon प्राइम वीडियो पर ही आई थी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि Amazon प्राइम वीडियो और YRF ने ये डील कर रखी हो कि आपकी जितनी भी मूवीज़ आएगी वो हमारे ही प्लेटफॉर्म पर दिखानी चाहिए, और स्टार गोल्ड ने भी यही डील कर रखी होगी। तो इसी के देखते चलते YRF की जितनी भी मूवीज़ अगर आप कोई से भी उठाकर देख लो तो स्टार गोल्ड पर आएगी, या फिर OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो Amazon प्राइम वीडियो की। अब दोस्तों इसी को देखते चलते यहाँ पर एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि टाइगर 3 मूवी है जिसकी OTT प्लेटफॉर्म वो Amazon प्राइम वीडियो ही होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी तो मूवी रिलीज हुई भी नहीं है, तो आप पहले से यहाँ पर OTT और सेटेलाइट ये मत देखो कि भाई हम तो OTT पर देखेंगे या सेटेलाइट पर देखेंगे। आप सिंपल से इतना ध्यान रखो कि अगर ये मूवीज अभी तक थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हुई है तो हमको तो थिएटर्स में जाकर ही एक्सपीरियंस करना है। वैसे दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे यहाँ पर एक्शन मूवीज़ देखने का शौक नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप इस मूवी को मत देखो, ये मूवी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। और क्योंकि दोस्तों मैं भी सलमान भाई का फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे एक्शन मूवीज़ इतनी कोई खास पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं कुछ अलग टाइप की मूवी देखना पसंद करता हूँ। तो बेसिकली ये मूवी मेरे लिए तो नहीं है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है और मेरे हिसाब से ये पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, और अभी जवान मूवी का भी रिकॉर्ड शायद तोड़ देगी, और अब लियो का तो क्या ही कहना, वो तो अब आएगी तब पता चलेगा। तो आप सभी के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।